Hello guys, welcome back to my channel. My name is Divyana. तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ डार्क सर्कल के बारे में. Yes. डार्क सर्कल एक कॉमन प्रॉब्लम है. इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि नींद की कमी, थकान, ज़्यादा टीवी देखना, मोबाइल का ज़्यादा यूज़ करना, बॉडी में पानी की कमी, धूप में ज़्यादा रहना, एयर पॉल्यूशन, खाने पीने में अच्छी तरह से ध्यान ना देना, स्मोक करना, स्ट्रेस लेना, गुस्सा करना, अल्कोहल ज़्यादा मात्रा में लेना, ये सारे डार्क सर्कल के रीज़न हो सकते हैं. पहले मुझे भी बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल, उसका रीज़न है मोबाइल, टीवी, और जो मुझे थोड़ा बड़ा चश्मा लगा हुआ उसका तक कम हो गए. तो जो होम रेमेडीज मैं यूज करती हूँ वो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इसके लिए चाहिए हमें आधा चम्मच जितना कॉफ़ी, आधा चम्मच बेसन, एक चम्मच एलोवेरा जेल. अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे. हम कॉफ़ी की जगह कोको पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं. अब हम इसको ब्रश की हेल्प से अप्लाई करेंगे. तो जो कॉफ़ी होता है या कोको पाउडर होता है वो डार्क सर्कल के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है. इसमें ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारी अंडर आई को ब्राइट बनाने में हेल्प करते हैं, और जो अगर आपको रिंकल्स की प्रॉब्लम और फाइन लाइंस की प्रॉब्लम है उसको भी दूर करता है. ये रेमेडी को आपको वीक में 1 से 2 बार ट्राई करना है, जब भी आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा. और अब इसको हम 10 मिनट के लिए लगा के रखेंगे, और 10 मिनट बाद ये सूख जाएगा, और इसको हम उसके बाद हम इसे धो लेंगे वॉर्म वाटर की हेल्प से, वॉश करेंगे. सेकेंड रेमेडी के लिए हमें चाहिए कुकुम्बर. उसको हम कद्दूकस कर लेंगे, और इसका 1 से 2 चम्मच हम इसका जूस निकालेंगे. इसको हम अच्छे से फिल्टर करके इसका जूस निकाल लेंगे. इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे रॉ मिल्क, मतलब कि कच्चा दूध. जो दूध उबाला नहीं गया उसे कहते हैं कच्चा दूध. अब हम इसको कॉटन की हेल्प से अप्लाई करेंगे. जो रॉ मिल्क होता है वो डार्क सर्कल को दूर करने में बहुत ही हेल्प करता है, और जो कुकुम्बर है उसके बेनिफिट्स तो आपको पता ही हैं. और इसको अप्लाई करने से जो पफ़ी आइज़ की प्रॉब्लम होती है वो भी दूर हो जाएगी. ये रेमेडी आपको रोज़ फॉलो करनी है. 1 वीक में इसका रिज़ल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा, और इसको हमको 10 मिनट लगा के रखना है, और 10 मिनट बाद हमको इसको ठंडे पानी से वॉश कर लेना है. नेक्स्ट हैक के लिए हमें चाहिए 1 ड्रॉप प्योर बादाम का तेल, इसे वर्जन आलमंड ऑयल भी कहते हैं. इसको अच्छे से आई के आसपास हमें अप्लाई करना है. ये ट्रिक अगर आप रोज़ फॉलो करते तो सीरियसली आपको इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा. इसकी मसाज करिए, ये थोड़ी देर में एब्जॉर्ब हो जाएगा, और इसके बाद इसको लगा कर आप सो जाइए. अभी तो हमने देखा कुछ होम रेमेडीज़, अब मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ. जब भी आप घर से बाहर जाएं धूप में तो ऑलवेज गॉगल का यूज़ करें, क्योंकि वो आपकी आइज को प्रोटेक्ट करेगा, और जो डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी. जो नेक्स्ट स्टेप है वो है पानी. कम से कम हमें दिन भर में 8 से 10 गिलास तो पानी पीना ही चाहिए, और अगर आप पानी नहीं पीते हैं तो जाइए पानी पीना स्टार्ट कीजिए. अगर हम पानी पियेंगे तो जो हमारी स्किन है वो ग्लो करेगी, और डार्क सर्कल की प्रॉब्लम को छूमंतर करेगी. हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रात के टाइम मोबाइल के बिना नहीं रह सकते, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब रूम में बहुत अंधेरा है तो हमें मोबाइल का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि हमारी जो आँखें होती हैं बहुत नाजुक होती हैं. तो रात के टाइम हमें मोबाइल का यूज़ नहीं करना है. इस बात का आपको भी ध्यान रखना है और मुझे भी. तो आज की मेरी जो लास्ट टिप है वो है, हमें जल्दी सो जाना चाहिए, क्योंकि हमने दिन भर में इतना ज़्यादा काम किया होता है कि हमारी आँखें इतना थक जाती है, तो उन्हें भी आराम की ज़रूरत होती है. तो हमें जल्दी सो जाना चाहिए, और अगर हम जल्दी सोएंगे तो जो हमारी डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी.
आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात की है देरी, जाइए फटाफट सब्सक्राइब।